नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए और एक्साइटिंग वीडियो में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने यूट्यूब के वीडियो में इंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताऊँगा कि यूट्यूब के वीडियो में इंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं। दोस्तों, यूट्यूब के वीडियो में इंड स्क्रीन लगाने से एक फ़ायदा होता है कि मतलब कोई भी नया यूजर हो या पुराना यूजर हो, अगर आपकी वीडियो देख रहा हो तो उससे अगर आपको इंड स्क्रीन लगाए होंगे तो वीडियो आपका इंड होगा तो इंड में आपका दूसरा वीडियो भी दिखाई देने लगेगा। और इससे क्या होगा दोस्तों कि उसको अगर अच्छा लगेगा वो वीडियो तो उस वीडियो पर क्लिक करेगा तो उससे वो दूसरे वीडियो पर भी आपका पहुँच जाएगा, तो आपसे व्यू आपका व्यू भी बढ़ जाएगा और वॉच टाइम भी कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, इंड स्क्रीन लगाने के यही फायदे होते हैं। मैंने थंबनेल में भी लिख के रखा है कि इंड स्क्रीन लगाओ व्यू पाओ, तो दोस्तों इसीलिए मैंने लगाया है, कोई ऐसे ही मैंने नहीं लगा दिया है। तो दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है आप उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो पहुंचेगा आप तक सबसे पहले। तो चलिए फटाफट वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, इसके लिए आपको अपना सिंपली क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर तो सबके मोबाइल में होता है, या जाहिर सी बात है सबके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होता है, तो आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देने को मिलता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है इस पर सर्च करना है www.youtube.com, या फिर यहाँ पर भी दिया रहता है यूट्यूब का एक लोगो, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो ये ओपन होकर आएगा मतलब। तो यहाँ पर आपको अपना डेस्कटॉप साइट में यहाँ पर अपना चैनल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप थ्री डॉट जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो थ्री डॉट आपको दिखाई दे रहा है सिंपली उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये नया पेज रिलोड होकर आपके सामने आएगा, तो ये अभी रिलोड हो रहा है। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, नया पेज रिलोड होकर आएगा, तो आपको सिंपली ये यहाँ पर जूम इन करते हुए आना है। जूम इन करते हुए आने के बाद आपको यहाँ पर जो अपना चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो योर चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो योर चैनल पर क्लिक करना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद ये नया पेज रिलोड होकर आपके सामने कुछ आएगा, तो आप जिस वीडियो में अपना इंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं उस वीडियो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अपना एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको आप उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको सिंपली जूम इन करते हुए आना है और यहाँ पर जो आपको एडिट वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप वीडियो के तो यहाँ पर एडिट वीडियो पे आप क्लिक कीजिएगा तो नया पेज रिलोड होकर आपके सामने आएगा। तो ये रिलोड होकर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देने को मिलता है। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो आपको ऐड टैग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप अपना टैग ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आई बटन लगा सकते हैं और यहाँ पर प्ले लिस्ट इसका कर सकते हैं, कुछ प्ले लिस्ट में डाल सकते हैं। तो ये आई बटन लगाने और टैग बटन लगाने वाला टैग लगाने वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पर आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। खैर छोड़िए सब बात, मैं अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आपको जूम इन करते हुए आना है और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंड स्क्रीन, इस पर क्लिक कर देना है, जिसको कि मैं यहाँ पर सर्किल कर रहा हूँ इंड स्क्रीन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज रिलोड होकर आएगा, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कुछ, जैसा कि आप यहाँ पर दो वीडियो लगाना चाहते हैं इंड स्क्रीन में ना, तो आपको यहाँ पर जो दो वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दो वीडियो का सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको जूम इन करते हुए आना है और यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेस्ट फॉर व्यूअर, यहाँ से आप वीडियो सिलेक्ट करना है मतलब, तो आपको यहाँ पर चूज स्पेसिफिक वीडियो यहाँ पर जो दिया हुआ है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये दूसरा पेज रिलोड होकर आपके सामने आएगा, आप यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं अपना एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने एक वीडियो सिलेक्ट कर लिया है। तो ये सिलेक्ट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, तो मैं इसको बड़ा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर
या फिर वहाँ से दूसरे जगह भी रिमूव कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको जो दूसरे यहाँ पर जूम इन करना है थोड़ा सा, और यहाँ पर जो आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पे सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर फिर से चूज स्पेसिफिक वीडियो पे क्लिक कर लीजिएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो दूसरा पेज आपके सामने रिलोड होकर आएगा। तो ये रिलोड होकर आएगा तो यहाँ से आप दूसरा वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं दूसरा वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इधर जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दूसरा वीडियो भी लग गया है। तो आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा जैसा कि मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो ये मेरा अच्छे से सेट हो गया है। तो ये हो गया ये वीडियो मतलब। तो आप यहाँ से आप कितना सेकंड पे लगा सकते हैं ये हो गया। तो यहाँ पर मैं लास्ट में लगा देता हूँ थोड़ा ताकि ये अच्छा लगे। तो ये हो गया। तो आपको यहाँ पर जो सेव का तो यहाँ पर आपको जो सेव का बटन दिखाई दे रहा है जिसको मैं सर्किल किया हूँ, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ लोडिंग लेगा यहाँ पर थोड़ा देर, और आप फिर से बैक आ जाइएगा यहाँ पर। तो आपको ये जो आप जूम आउट करना है और यहाँ पर आपका सब सब सारा कुछ इंड स्क्रीन सेट हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।